तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस एक्सेल विथ वर्किंग प्रोफेशनल। ये हमारा पहला क्लास है और आपके साथ हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को पहले से एक्सेल आता है बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो समझूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो मैं जो एक्सेल सिखाने जा रहा हूं आपको, एक्सेल 2019 होगा जो कि लेटेस्ट वर्जन है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये 19 वर्जन हमारा एक्सेल है, ये तो आप लोगों के पास नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपडेटेड है। जब हम सीखेंगे तो अपडेटेड ही सीखेंगे ना, जी जो तो सही बात। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ आपका अपडेटेड नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप लोअर आपके पास जो भी वर्जन है उस पे भी सिमिलर है। जो चीज अपडेटेड होगी मैं आपको बता दूंगा कि हाँ फलाना चीज अपडेटेड है, तो आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे डेटा किस तरह से हम टाइप करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। एकदम बेसिक में आपको नहीं सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑफिस में काम करते समय हमें जरूरत पड़ती है, उन चीजों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रेफरेंसिंग सिस्टम के बारे में। देखिए किसी भी वर्कबुक के अंदर एक शीट होता है, शीट के अंदर आपके रो एंड कॉलम होते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं उस सेल पे करते हैं। हर एक सेल का एड्रेस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 किया तो आप देखिए A1 जो है, A1 की वैल्यू 20 हो गई। तो हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, राइट। अब ये एड्रेस क्यों होता है इसके बारे में जानिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है। अगर मुझे 20 और 30 को प्लस करना हो तो मैं इक्वल 20 प्लस 30 करूंगा। इक्वल क्यों किया? क्योंकि इक्वल से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट, कैलकुलेशन फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो 20 प्लस 30 और यहाँ पे एंटर किया तो रिजल्ट हमारा 50 हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं इसमें चेंज करूं, 40 कर दूं, तो रिजल्ट मेरा अपडेट नहीं हो, क्योंकि ये मैनुअल कैलकुलेशन है। तो आप चाहते हैं कि मेरे सेल से लिंक हो जाए, सेल की वैल्यू चेंज हो तो ये अपने आप को चेंज करे। तो उस केस में मैं इसका सेल रेफरेंस लूंगा कि D3 प्लस E3, D3 प्लस E3, आपके रिजल्ट यहाँ पे 60 दिख रहा है। ओके, राइट सर। अब मैं इसमें चेंज करूंगा 60। तो यहां पे देखिए ये D3 मीन्स D3 की वैल्यू, D कॉलम 3 नंबर रो, और इसकी वैल्यू आपकी 20 आ रही। तो ये इसलिए ऐसा किया गया है। अब क्वेश्चन यहां पे आता है हमारा, सॉरी सर म्यूट हो गया था। तो ये ऐसा क्यों किया गया? इसके लिए तो हर एड्रेस का अपना अलग अलग, जैसे मैंने इक्वल किया और हमने A1 कर दिया तो मेरा A1 से लिंक हो गया, बोले ना सर। लेकिन A1 कौन सा? ये हमारा C2 का है। अगर मैंने C2 पे गया और हमने A1 कर दिया तो ये हमारा C2 का A1 हो गया। तो अगर आप विथ इन सीट करते हो सिर्फ आपको उसका एड्रेस लिखना है, लेकिन आप अगर करते हो अलग अलग जगह पे करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे उसका पूरा रेफरेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जो फाइल आपका है,
अब मैं किसी फाइल को ओपन करता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए ओपन कर दी टेस्ट को, सर सुरजीत सर हाँ जी, ये आपके अलावा और यूजर हैं उनको म्यूट करने के लिए बोलिए ना, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। म्यूट ही तो है सर, सब म्यूट है क्या सर? हाँ आप सही है, आवाज आ रही ठीक? हाँ सर अभी ठीक है, अभी ठीक है, बीच से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है सर। मैं बगल वाले बिल्डिंग में थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था, इसीलिए गया सर। ओके सर, ओके ओके। तो यहाँ पे हमने इक्वल किया और हमने अनदर शीट जो हमारा उसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अभी देखिए इस फाइल का नेम आ गया, तो अनदर फाइल करना चाहते हो तो अनदर फाइल का भी आ गया कि अनदर फाइल का पूरा नेम आपको देना पड़ेगा, ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पे देखिए इस अनदर फाइल का जैसे लिखने का तरीका क्या है, अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन कभी आपको लिखना पड़ा तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो मैंने पहले आपका सीट नेम और आपका A1 आपका फाइल रेफरेंस रो एंड कॉलम हो गया, और बीच में जो एक्सक्लेमेशन मार्क इसका सेपरेटर हो जाता है। लेकिन फाइल की बात करें तो फाइल में आपका बड़ी ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है जो कि सेपरेटर होता है, राइट? लेकिन अगर फाइल बंद कर दो, ये फाइल खुला हुआ है ना, अभी टेस्ट वाली फाइल को मैं यहां से क्लोज करता हूं, क्लोज किया, अब देखिए पूरा रेफरेंस आ गया। तो यहां पे ये चीज भी होता है, पता क्या है कि हम जब इसका जब फाइल हमारी ओपन होती है उस समय हमारा कुछ और होता है नाम, और जैसे फाइल क्लोज होती है तो उसका पूरा लेंथ आ जाता है, राइट? जैसे कि आपने यहां देखा कि फाइल का पूरा एड्रेस तभी आएगा जब आपने फाइल को लिंक फाइल को क्लोज किया हो। करेक्ट सर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा रेफरेंसिंग सिस्टम हमने किया इसका फायदा कैलकुलेशन में होता है। तो अभी जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ऐसे नंबर हो सकते हैं काफी ज्यादा हो, लेकिन एक कुछ नंबर है। अब मुझे हर नंबर में 20 ऐड करना है, इसको हमने प्लस 20 किया और हमारा देखिए यहां एक मिनट किसी का म्यूट का कुछ हो रहा है। यहां पे 40 किया। अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूं या कॉपी पेस्ट करता हूं तो आप देखेंगे इसका यहां पे A1 A2 A3 ठीक है रेफरेंस चेंज हो रहा है, यहां ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहां उठाने बाद में यहां हमने A1 से ड्रैग किया तो A1 A2 हो गया, A3 हो गया, A5 हो गया। अब ये जो है एक अच्छा बेनिफिट है। ऐसा बेनिफिट क्यों है इस चीज को देख लीजिए। बेनिफिट ए इसका ए हुआ कि अगर आप एक फॉर्मूले में एक में अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको हर एक सेल में फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हर एक सेल में फॉर्मूला लगाने का जरूरत आपका नहीं है। ओके सर, और नीचे ड्रैग कीजिए आ जाएगा। तो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन होता ना कि हर एक चीज का बेनिफिट के साथ उसका लॉस भी होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको यहां पे मैं बोलता हूं कि D1 का जो 20 है ना, मुझे हर सेल में D1 की वैल्यू को मुझे करना है, तो हर सेल में D1 की वैल्यू को ही करना है, प्लस करना है।
तो इसको हमने प्लस डी वन सेलेक्ट कर दिया, राइट, प्लस डी वन कर दिया, एंटर प्रेस किया, तैयार। अब नीचे ड्रैग करूंगा तो ए वन ए टू होगा, तो आपका डी वन भी डी टू हो जाएगा ना। तो यहां पे दिक्कत हो गई ना, क्या? तो हम चेंज कर देंगे अपन, हाँ, A1 A2 हो जाए बट D1 D2 ना हो, तो फ्री मतलब कि इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो इसके आगे हम डॉलर का साइन लगा दिए, हमने डॉलर का साइन किसके आगे लगाया, नंबर का आगे। नंबर क्या है, नंबर हमारा रो है। अब इसको हम नीचे के तरफ तरफ ड्रैग करते हैं, हो गया। लेकिन हमने नंबर का आगे लगाया था, सिर्फ हमारा रो फ्रीज हुआ है। जब मैं इसको वर्टिकली करूंगा, देखिए ये आपका डी जो है ई बन गया। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप दोनों तरफ फ्रीज करें या एक तरफ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एज टू रिक्वायरमेंट। और इसके बारे में आगे भी हम काफी चर्चा करेंगे, राइट, करेक्ट सर, करेक्ट। अब उसके बाद आती है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के बारे में जानते चलिए कि डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब तक डेटा को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते, क्या? अब इसे डेटा को सिलेक्ट करना है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। आपने एक बार कंट्रोल ए किया तो आपका यूज्ड डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन दो बार कर दिया तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, राइट? अगर आप सर एक क्वेश्चन था सर यहाँ पे, सर आप जो रैंड बिटवीन लगाते हो ना, अभी देखो अपने फॉर्मूला लगाया कि मिनिमम 10 होना, मैक्सिमम 90 होना, राइट? अभी अपन इसको अपन स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं करते हैं तो नंबर चेंज होते रहेंगे, राइट? एंटर मारो, आप एंटर करो, अभी इसका प्रॉपर्टी यही है, चेंज होता है, एंटर मारते, हाँ चेंज होता है, पता है सर, बोलिए। हाँ हाँ ओके सर, हाँ तो इसके लिए अपने वैल्यूज करना पड़ेगा ना सर, करने का ना। ओके 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 सर, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे, अभी तो फिलहाल मैं कुछ और बता रहा हूँ। बता रहा हूँ सिलेक्शन, कि आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, परफेक्ट सर। तो पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए कर लें तो सिलेक्ट होगा, अगर आपने दो बार कंट्रोल ए किया तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, राइट? और आप माउस सिलेक्शन करना चाहो तो माउस सिलेक्शन पता है, क्लिक करते हुए ड्रैग कर सकते हो, या फिर आप स्टार्टिंग में क्लिक करो और शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट में, जैसे देख रहे हो ना, इस पे क्लिक करोगे शिफ्ट के साथ तो पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, राइट? क्या आप स्टार्टिंग में सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और आप सबसे लास्ट में सिलेक्ट करें। उसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा सीट सिलेक्ट होता है। लेकिन क्या है, कभी कभी हमें अब कंट्रोल ए नहीं कर पाते हैं, क्यों? जैसे कि ए फालतू में दिखा डेटा आपको सर, तो अगर मैं कंट्रोल ए करूंगा तो पूरा डेटा सेट हो जाएगा। तो कर्सर के मूव करने के लिए भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास, जैसे कि अगर आप एरो की से ऊपर नीचे करते हैं ना, कर सकते हैं। अगर एरो की में कंट्रोल प्रेस करके मैंने नीचे डाउन एरो किया तो कर्सर नीचे चला जाता है, द लास्ट सेल पे, फिल सेल पे। अगर ब्लैंक है तो लास्ट में चला जाएगा या लास्ट फिल सेल पे आ जाएगा। सीरीज चलता है, ये सीरीज चला हुआ है, फिल का सीरीज है, तो जहां फिल का सीरीज खत्म होता है, जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, ठीक है ना, तो अब यहां से अब मैं कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि फिल की सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई। तो आप इस तरह से चारों तरफ कर सकते हो कि डाउन अप लेफ्ट राइट डाउन कर सकते हो। तो आप कंट्रोल कंट्रोल राइट किया तो राइट में चला गया, लेकिन कंट्रोल के साथ में शिफ्ट भी दबा लिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो आपका राइट एरो में सिलेक्ट कर दिया जाएगा, और मैं डाउन करूंगा तो डाउन में सिलेक्ट हो जाएगा, राइट सर, राइट सर, राइट। डेटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मुझे मल्टीपल सेल सिलेक्शन करनी है तो उसके दो पर्पस है, कि आप सिर्फ फॉर्मेटिंग वगैरह आप कॉपी नहीं करना चाहते, ऐसी फॉर्मेटिंग करना है आपको और डेटा को सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, जहां भी क्लिक कीजिएगा वहां आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आया क्लिक करके मैंने इसको सिलेक्ट किया, उतना एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। राइट बट इसमें आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो, इसको कॉपी नहीं कर सकते आप। देखिए अब कॉपी करना हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने ऊपर के तीन सिलेक्ट किया है, राइट, तो मैं इसी में नीचे तीन सिलेक्ट कर लूंगा तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन हमने ऊपर में तीन किया और यहां पे तीन कर दिया, ये कॉपी नहीं होगा। मतलब ये मतलब अरेंज होना चाहिए सीक्वेंस की, हमने ए को किया तो नीचे ए को तीन ही होना चाहिए। मान लीजिए दो तीन है और मैंने एक दो कर दिया, ए आपका कॉपी नहीं होगा। तो मल्टी सेल सिलेक्ट करने का ए एक ए है, इस तरह से आप कर सकते। ठीक है सरवर जी एंड संजीव जी। सर वो एक बार दोबारा बताइए, मल्टी सिलेक्शन कैसे सर, दूसरे कॉलम में करना होता है? किया और कंट्रोल के साथ नीचे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए, कंट्रोल प्रेस ओके ओके। अब ये सारा सीक्वेंस में तीन ऊपर भी है, तीन यहाँ भी है, तीन सब एक ही नीचे है, तो इसको करेक्ट करेक्ट। लेकिन अगर आपने मान लीजिए तीन यहाँ सेलेक्ट कर लिया और तीन किसी और सेलेक्ट कर लिया तो आप कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपने तीन यहाँ सेलेक्ट कर लिया और इसी रो में आगे तीन सेलेक्ट कर लिया, ओके, तो आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और तीन यहाँ भी सिलेक्ट किया लेकिन इसके नीचे दो ही सिलेक्ट किया, तो आप कॉपी नहीं कर सकते। करेक्ट सर। राइट। तो इसका ध्यान कॉपी करते समय आप रखेंगे, राइट। तो ये हमारा डेटा सिलेक्शन था, क्योंकि डेटा सिलेक्शन समझाना जरूरी था, क्योंकि डेटा जितना हम सिलेक्ट करते हैं उसी के हिसाब से ही हमारा आगे बढ़ता है, राइट। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। मतलब रो, अपन रोज में सिलेक्शन कर सकते हैं, कॉलम में सिलेक्शन नहीं होगा, मल्टी सिलेक्शन कंट्रोल प्रेस करो तो भी नहीं होगा। हाँ सही बोल रहा है। करेक्ट सर। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सर? नहीं। ओके ठीक है। ओके सर। चलिए अब कुछ भी करेंगे तो डेटा को सेव करेंगे, अब फाइल मेनू बार से स्टार्ट करते हैं। तो फाइल मेनू बार मोस्टली आप जानती हैं, जैसे न्यू, न्यू में क्या है हमारे न्यू पर ब्लैंक वर्क बुक ले सकते हैं या फिर हमारे टेम्पलेट आप ले सकते हैं। ओके ठीक है। यस सर, हमारे ऑप्शन नहीं यार ऊपर, ये हमारे एक ही दिख रहा ब्लैंक वर्कबुक है ना, ये टेक अ टूर गेट स्टार्टेड विद फॉर्मूलाज, ये ऑप्शन नहीं आ रहा। सर्च करना पड़ेगा, वो ऑनलाइन दिख रहा है ना, आपको सर्च करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। ओके ओके सर आए बने। यप चलिए तो यहां पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके हैं, वो टेम्पलेट्स आप अपने हिसाब से देख के डाउनलोड कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो, या फिर किसी कैटेगरी है जैसे बिजनेस कैटेगरी में क्लिक करेंगे
यहाँ पे देखिए बिजनेस कैटेगरी के सारे आपके मिल गए। अब आखिर है क्या, समझिए ये बने बनाए आपके टेम्पलेट, राइट? करेक्ट सर, ये बने बनाए आपके टेम्पलेट है, इसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिशियल लाइफ में आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इनवाइस एक बिल निकालना है, तो मैं यहां पे जाऊंगा और बिल लिखूंगा और सर्च करूंगा, तो इनवाइस रिलेटेड आपको यहां आ जाएगा। जो इनवाइस आपके ऑफिशियल है मतलब का, उसको आप सेलेक्ट करें और आप यहां से क्रिएट करें, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हो गया, अब इसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके अपनी यूज कर सकते हो। तो उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो ओपन वगैरह है, तो यहाँ पे रिसेंट ओपन दिख जाएगा, इसमें इन्फो में और बाय डिफॉल्ट इन्फो होता है, इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। सेव, जब भी आप नई फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट और यहाँ पर आपको ब्राउज मिलता है। अब सेव करना आप लोगों को तो आता ही होगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार देखिए क्या है कि जब भी आप फाइल सेव करते हो तो आपको एक्सेल वर्कबुक होता है, राइट? तो एक्सेल वर्कबुक आपका माइक्रो डिसेबल होता है, मतलब कि ये आपको माइक्रो वाली फाइल, जो भी जिस फाइल में माइक्रो लगी है उस फाइल को सेव नहीं करता, उसको माइक्रो माइक्रो कंटेंट को सेव नहीं करता। आप मान लो कोडिंग किए हुए माइक्रो लिखे हुए हो और उस फाइल को अगर आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आप उस फाइल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है सर। लेकिन अगर माइक्रो वाली फाइल है तो आप उसको एक्सेल वर्कबुक में सेव करिए, एक्सेल वर्कबुक, क्लियर है? एक्सेल वर्कबुक वाली फाइल जो है आपकी एक्सेल माइक्रो कंटेंट को भी और आपके नॉर्मल एक्सेल दोनों को सेव करता है, राइट? दोनों को आपके सेव करता है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सेल की फाइल काफी बड़ी है, जैसे कि 300-400 MB वाली फाइल है और काफी दिक्कत करती है, तो उसको आप बाइनरी फॉर्मेट में सेव करें, एक्सेल बाइनरी फॉर्मेट, एक्सेल से बी इसका शॉर्टकट होता है, होता है एक्सटेंशन होता है। ये क्या करता है कि आपकी एक्सेल को, आपकी जो एक्सेल वाली फाइल है, उस एक्सेल वाली फाइल को एक्सेल से बी में सेव कर देता है, जिससे आपका फाइल जो है का फाइल का जो साइज है वो फाइल का साइज आपका घट जाता है, राइट? ओके सर, इसका यूज कर सकते। इसके बाद आपका ये एक्सेल 23 है, 23 फॉर्मेट में सेव करोगे तो एक्सेल एक्स वाले फॉर्मेट में चला जाएगा, इससे आपका ये हो सकता है, मतलब कि ये जो पेंसिल वाली जो रो वाली जो फाइल फॉर्मेट होती है, बहुत सारे ऐसे ऐप भी है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि वो एक्सेल एस बी को ही सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो और बाकी है जैसे आपका यहाँ पे टेम्पलेट है जिसके बारे में कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर सीएसवी फॉर्मेट क्या होता है? सर सीएसवी फॉर्मेट होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल होता है वो सीएसवी फॉर्मेट। ठीक है,
बेसिकली सर कब यूज करते हैं अपन सीएसवी फॉर्मेट? जैसे कि आपको अगर गूगल पे अपना कॉन्टेक्ट अपलोड करना, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। उसमें पूरा ये जो कोमा लिखा हुआ है, तो कोमा एक्सेल में हर एक टेक्स्ट नहीं, जैसे कि एक्सेल में, एक्सेल के अंदर में ये जो होता है ना सर, के। एक्सेल में नहीं, जैसे कि एक्सेल में जो कॉलन होता है तो कॉलन के बीच में कॉमा सेपरेटर होता है, उसको तो कॉमा बोलते हैं, ओह यस। ठीक है ना। जैसे टैली में भी हम रखते हैं, ओके तो ये हमारा इस फर्स्ट शेयर का जो फॉर्मेट है इसके बारे में आगे भी डिस्कस करते हैं, जो आपने यूज कर रहा था कि इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है प्रिंट प्रिंट वगैरह बताएंगे आपको, शेयर सपोर्ट इसमें खास नहीं है, अकाउंट इसमें ऑप्शन है, तो एक बार आप लोग जो है ना इसकी ऑप्शन को खुद से एक बार स्टडी कर लीजिए, कल भी इस ऑप्शन को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, आज थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा था क्योंकि सर आप लोगों को पढ़ने का हैबिट भी है, इसलिए स्लोली स्लोली पढ़ा रहा था ताकि आप लोग बोर ज्यादा ना हो, लेकिन धीरे धीरे मैं स्पीडली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा ऐसा मत सोचिएगा सर रुक रुक के बोल रहे हैं, शाबाश नहीं, कुछ नहीं, मैं स्लोली स्लोली आपको पढ़ा ही रहा हूँ क्योंकि तो आप लोगों की पढ़ने की हैबिट नहीं है, कॉलेज पास आउट हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए स्लोली स्लोली। तो अभी जो है आपको इसमें एक्सेल के अंदर में जो आपके एडवांस है, इसमें एक्सेल ऑप्शंस है उस पर कई सारे कैटेगरी है, जब आपने देखा होगा मैं दोबारा बता देता हूँ, तो इस कैटेगरी में ये हमारा जो है अलग अलग कैटेगरीज है, इनको एक बार देख लीजिए क्योंकि कल मैं इसी पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ओके सर। राइट। फिर फाइल मेनू खत्म करेंगे फिर हम होम में घुसेंगे, जहां आपकी कॉपी वैल्यू पेज पेज स्पेशल पेज पिक्चर पिक्चर रिकॉर्ड पिक्चर कंडीशनल कमेंट इन सब चीजों पे डिस्कस करें, ठीक है सर। श्योर सर। तो आप लोग जो है इसको एडवांस इसके एक्सेल की सेटिंग्स को एक बार देख लीजिए, फिर कल इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके तो मिलते हैं कल सेम टाइम। श्योर सर। एक क्वेश्चन है सर मेरा, मैं आपका वीडियो देखा था, तो सर उस वीडियो में आप जो ऑफसेट फॉर्मूला लगाते हो ना सर, सर हाँ ऑफसेट में हाइट और विड्थ क्या है सर? सर, ये मैं आपको पिक्चर लुकअप में समझा दूंगा सर, क्या सर? पिक्चर लुकअप में समझा दूंगा ओके ओके ठीक है सर। ओके थैंक यू।